संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट चखराना, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानु राजकुमार। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार। मूक बधिर बच्ची के साथ दरिंदगी मामले में शुक्रवार शाम को भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही प्रदेश सरकार की नाकामियों को लेकर आक्रोश भी जताया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अलवर जिले से दो मंत्री टीकाराम जूली और शकुंतला रावत का इस्तीफा भी मांगा। प्रदर्शन के दौरान अलवर विधायक संजय शर्मा और पुलिस अधिकारियों में हल्की गर्मागर्मी भी देखने को मिली। शर्म आती कि आज ये फिर भी इतनी बड़ी घटना होने के बाद में अपनी कुर्सी पर बैठे, इनको तो अपने नैतिकता के आधार पर शर्म के मारे सामाजिक अपने दायित्व को निर्वाह करने के देखते हुए इनको तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए कि इनके धक्के में इतनी बड़ी घटना अलवर के अंदर घटित हुई है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपराधी पकड़े जाएं, क्योंकि गहलोत जी तो कुछ करने वाले नहीं है, लेकिन ये पुलिस प्रशासन है, ये कानून व्यवस्था है, ये हमारे जिले के तमाम अधिकारी हैं जो व्यवस्था को देख रहे हैं, वो तो कम से कम जनता के प्रति अपनी वफादारी को निभाते हुए अपने पदों से त्याग पत्र दें, अन्यथा इस मामले को जल्दी से जल्दी इन अपराधियों को पकड़कर इनको परलोक की यात्रा कराएं। जिला प्रशासन और पुलिस आनंद बालिका का दुष्कर्म के मामले को एक्सीडेंट दिखाने का प्रयास करेगी, आप किस तरह? नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल देखो, ये तो हो ही नहीं सकता कि उसको एक्सीडेंट का रूप देने का पुलिस प्रशासन प्रयास करेगा, ऐसा तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं होने देंगे। जो उसके साथ घटना घटित हुई है उसी को मानते हुए और उसी के आधार मानते हुए अपराधी को पकड़कर उनको जल्दी से जल्दी फांसी के तक पहुंचाने का। पुलिस अधीक्षक महोदय की जो पहली वाइट आई उसमें वो खुद स्वीकार करती हैं कि देखने पर ऐसा लगता है कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। ये पुलिस अधीक्षक महोदय का बयान है, मेरा बयान नहीं है। उसके बाद पुलिस उस घायल बच्ची को जयपुर रेफर करती है और बहुत दुर्दांत तरीके से उसके साथ बलात्कार हुआ ये स्वीकार भी करती है। जेके लॉन अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, बच्ची का ऑपरेशन हुआ है बड़ा। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ जयपुर से आए हुए हैं, राजस्थान के जो यहाँ से मंत्री हैं टीकाराम जूली, शकुंतला रावत, वहाँ दिखावे के लिए उस अस्पताल में जाते हैं और उसको 3.5 लाख रुपए की सहायता दे करके या तो उन्होंने बलात्कार की कीमत आकी है या उस बच्ची की कोई इज्जत नहीं है, उस परिवार की कोई इज्जत नहीं है। मेरा ये मानना है कि गहलोत सरकार निश्चित रूप से 3 साल में असफल साबित हुई है, चाहे महिलाओं से संबंधित अपराध हो, चाहे लूटमार की घटनाएं हो, चाहे निस्निक्षण घटनाएं हो, डकैती घटनाएं हो, और विशेष रूप से अलवर जिले की बात करूं तो 2 पुलिस कार्यालय होने के बावजूद इस प्रकार से खुलेआम गोलियां चलाई जा रही हैं भिवाड़ी में, भैरोड़ में, अलवर के अंदर, ग्रामीण में, लक्ष्मणगढ़ में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से पुलिस का फेलियर है। मकर संक्रांति के पर्व पर नव युवक मंडल जखराना की तरफ से शहीद हरिपाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान पर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि डॉक्टर शानु राजकुमार यादव रही, साथ ही विशिष्ट अतिथि राजकीय विद्यालय प्राचार्य सुरेश बाई रही। इस प्रतियोगिता में 27 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें 21,000, 11,000 और 7100 रुपये के प्रथम, द्वितीय और तृतीय इनाम रखे गए हैं। मुख्य अतिथि डॉक्टर शानुराज कुमार यादव ने सभी को मकर संक्रांति की बधाई देते हुए खेल को खेल की भावना से खेलने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। इस मौके पर महेंद्र कुमार, दीवान सिंह, नरेंद्र कुमार, रमेश कुमार, विपिन कुमार, अभिमन्यु सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। मकर संक्रांति की सबसे बड़ी तरफ से बधाई हो आप सबको, बेस्ट ऑफ लक गेम के लिए, अच्छे से खेलिए, ईमानदारी से खेलिए, जोश से खेलिए, कोरोना गाइडलाइन सब प्लीज पालन करिए, थैंक यू। भाजपा के युवा नेता मोहित यादव ने मकर संक्रांति के अवसर पर माजरी कला में कार्यकर्ताओं के साथ जरूरतमंद लोगों को कम्बल वितरित किए और रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पालना भी की गई। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।